श्री श्याम दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपनी YouTube चैनल सुनीता जी की किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने जा रही है बहुत ही ज़्यादा सिंपल और टेस्टी रेसिपी। जी हाँ, आज हमारे किचन में बनने जा रही है मूंगफली की चटनी। यदि आपने पहले कभी इस रेसिपी को ट्राई ना किया हो तो एक बार मेरे कहने पर इसे इस तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा, आपके घर में सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज की मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। मूंगफली की चटनी बनाने के लिए यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें ले ली हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर 200 ग्राम लगभग मूंगफली ले लेंगे। आप इसके अकॉर्डिंग सब चीज़ों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 17 से 18 हम यहाँ पर लहसुन की कली ले लेंगे और 6 से 7 हम यहाँ पर साबुत लाल मिर्च ले लेंगे। स्वाद अनुसार हम यहाँ पर नमक ले लेंगे। 2 चम्मच हम यहाँ पर जीरा ले लेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पर कड़ी पत्ता ले लेंगे। इसमें जो कड़ी पत्ते का इस्तेमाल हम थोड़ा ज़्यादा करेंगे, तो आप इसके अकॉर्डिंग सब चीज़ों को कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। इन सब चीज़ों से हम अपनी एकदम टेस्टी मूंगफली की चटनी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर गैस चालू करके कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देंगे। कढ़ाई के गर्म होते हम इसमें 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। तेल के अच्छे से गर्म हो जाने के बाद हम इसमें साबुत लाल मिर्च डालकर इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें लाल मिर्च को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस कुछ कुछ सेकेंड हम उन्हें फ्राई करके एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम सेम तरीके से मूंगफली को भी डालकर एकदम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज़ ओवर फ्राई ना हो, बस कुछ थोड़े थोड़े ड्यूरेशन में आप इन्हें निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी मूंगफली भी एकदम अच्छे से ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी हैं। तो इन्हें अब हम एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। और ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा सिंपल रेसिपी है, प्लस बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो एक बार तो आप इसे ज़रूर बना के देखिएगा। इसके बाद यहाँ पर हम इसमें कड़ी पत्ता डालकर इसे भी एकदम तुरंत निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब चीज़ें एकदम अच्छे से फ्राई हो चुकी है। इन सब चीज़ों के ठंडे हो जाने के बाद हम इसे मिक्सी जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। सब चीज़ों के एकदम अच्छे से ठंडे हो जाने के बाद हम इसे ग्राइंडिंग जार में डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। पर उससे पहले हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें 2 चम्मच जीरा डालेंगे। इसके बाद हम इसमें लहसुन डाल देंगे, साबुत लाल मिर्च, स्वाद अनुसार नमक डालकर हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी एकदम टेस्टी मूंगफली की चटनी एकदम बनकर तैयार हो चुकी है। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी में कुछ गलती लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे हम उन सब चीज़ों को अच्छा कर सकें। हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, वो भी फ्री में, ताकि हम कुछ ऐसी नई नई रेसिपी पर कुछ आसान तरीके में आप सभी के लिए लाते रहें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय श्री श्याम। राधे राधे।